बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सोकिया एंड टॉप कंट्रोल स्टेशन की फ़र्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फर्स्ट लेसन ट्रुथ स्टेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में है। हमने अपने ट्रुथ स्टेशन के बॉक्स को ओपन कर रखा है। ये हमारी ट्रुथ स्टेशन है जिसके तमाम प्रोग्राम स्टेप बाई स्टेप हम स्टडी करेंगे। टॉपकॉन और सोकिया की ट्रुथ स्टेशन का सॉफ्टवेयर सेम है, इसलिए सोकिया ट्रुथ स्टेशन यूज़ करने वाले तमाम दोस्त इन वीडियो से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ट्रुथ स्टेशन के चार्जर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये हमारा चार्जर है जिससे हम अपनी ट्रुथ स्टेशन की बैटरी चार्ज करते हैं। ट्रुथ स्टेशन की राइट साइड पर हमें USB पोर्ट मिलती है। क्योंकि हमारी ट्रुथ स्टेशन में कोई मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं होता, इसलिए हम USB पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने जैकेट ओपन की है, आप देख सकते हैं ये हमारी राइट साइड पर USB पोर्ट मौजूद है। नेक्स्ट मैं अपनी ट्रुथ स्टेशन को लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड पर हमें बैटरी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिप को प्रेस करते हुए हम अपनी जैकेट को ओपन करते हुए अपनी बैटरी चेंज कर सकते हैं। जब हम अपनी ट्रुथ स्टेशन परचेज करते हैं उस वक्त हमें अपनी ट्रुथ स्टेशन के साथ एक बैटरी ही प्रोवाइड की जाती है और उसके साथ कुछ क्लीनिंग टूल्स, ब्रश और एल की और यूज़र मैनुअल बुक प्रोवाइड की जाती है। यूज़र मैनुअल बुक को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ट्रुथ स्टेशन के तमाम प्रोग्राम के बारे में सीख सकते हैं। हम अपनी ट्रुथ स्टेशन को 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल रोटेट कर सकते हैं और उसके बाद ट्रुथ स्टेशन के टेलीस्कोप को वर्टिकली 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ट्रुथ स्टेशन की डिस्प्ले स्क्रीन की राइट साइड पर जो रोलिंग व्हील दिया गया है, इसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रुथ स्टेशन को स्लो मोशन मोड में हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हैं। और इसके साथ हमें दूसरा फंक्शन, हमें ट्रुथ स्टेशन को हॉरिजॉन्टली लॉक करने का मिलता है। इसके साथ साथ हम ट्रुथ स्टेशन के टेलीस्कोप को वर्टिकली स्लो मोशन मोड में रोटेट कर सकते हैं और रोटेशन के साथ साथ हमें टेलीस्कोप को वर्टिकली लॉक करने का ऑप्शन भी इसी जगह से मिलता है। मैंने अपनी ट्रुथ स्टेशन को हॉरिजॉन्टली लॉक किया था, इसलिए लॉक को ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा रोटेट करते हुए अभी जो ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं अपनी टेलीस्कोप को लॉक कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमें ट्रुथ स्टेशन की राइट साइड पर ही एक आईपीस मिलता है जिसको यूज़ करते हुए, जिसके अंदर से देखते हुए हम अपनी ट्रुथ स्टेशन को अपने बेंचमार्क के ऊपर सेंटरिंग करते हैं। इसके बाद हमें टेलीस्कोप के ऊपर दो व्हील मिलते हैं, एक आईपीस है और दूसरा हमारा फोकसिंग व्हील है। इसके बाद ट्रुथ स्टेशन के टॉप पर हमें साइट पॉइंटर मिलता है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने प्रिज्म रॉड को 90% टारगेट कर लेते हैं और उसके बाद हम फोकसिंग व्हील और आईपीस को यूज़ करते हुए 100% टारगेट करते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रुथ स्टेशन के बॉटम में 3 स्क्रू फुट होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम टिल्ट यानी अपनी ट्रुथ स्टेशन को बबल करने में हेल्प हासिल करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।